देश के सुपर 10 लिटिल मास्टर्स को लिए वेलकम टू नो सूपी नूडल्स डी आई डी लिटिल मास्टर्स पावर्ड बाय एल आर एक्टिव रिटर्न ऑफ डांस के जोरदार ताला हो जाए हमारे सभी स्किपर्स के लिए नीरव के निंजास के स्किपर नीरा कृति के क्रैकर्स के स्किपर कृति राघव के रॉकस्टार के स्किपर राघव और प्रिंस की पलटन के स्किपर प्रिंस और जोरदार ताला हो जाए हमारे मास्टर्स के लिए प्लीज वेलकम मास्टर गीता देश के सुपर 10 लिटिल मास्टर्स के बारे में आपका फैसला आ चुका है मिस कॉल देकर डांस को सपोर्ट करने के लिए मैं आप सभी को पूरे डीआईडी परिवार की ओर से धन्यवाद कहना चाहूंगा आपके फैसले के मुताबिक सुपर 10 में से 8 लिटिल मास्टर्स जनता की कसौटी पर सुरक्षित है और 2 फिलहाल असुरक्षित आपका यानी जनता का यह फैसला मैं आपको बताऊंगा लेकिन हर एक लिटिल मास्टर के परफॉर्मेंसेस के बाद तो चलिए बढ़ते हैं परफॉर्मेंसेस की ओर लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जिसे भी मैं बुलाऊंगा उसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी हिंट देने वाला हूं और आपको गेस करना है कि वो कौन है तो क्या आप तैयार है चलिए मास्टर मर्जी इस बार आप गेस कीजिए कि हमारी अगली लिटिल मास्टर कौन है ओके रेडी तो क्लू ये है वो बात करती है तो दांतों के बीच से हवा निकल जाती है समझ में आया कौन है वो दादा की गर्लफ्रेंड क्या बात है मैं तो और बहुत सारे क्यूज देने वाला था लेकिन आपने तो पहले ही इसमें दादा बम्पर वी बिलीव इन बम्पर्स बिल्कुल सही तो जोरदार ताला हो जाए प्रिंस की पलटन से रांची की एक्सप्रेशन क्वीन शालिनी के लिए ऑल द बेस्ट थैंक यू ऑल द बेस्ट शालिनी फील द स्टेज थैंक यू बताइए प्रिंस आपको इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा मुझे शालिनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लगा जैसा मुझे चाहिए था कि वो क्यूट दिखे और अच्छी तरह परफॉर्म करे उसने वैसा ही किया क्या बात है वैसे शालिनी मुझे बात बताइए कौन से गाने पे आपने परफॉर्म किया था गाना क्या था उड़े उड़ी
उड़ी आई मीन मास्टर मोहसी से ही पूछ लेते हैं, फिर इसी बात पे याद आ गए उससे। मास्टर मोहसी बताइए कि आपको शालिनी का ये परफॉर्मेंस कैसा लगा? आपने शालिनी से क्या पूछा? मैंने पूछा कौन सा गाने पे आपने परफॉर्म किया, तो उसने कहा कि उड़ी उड़ी। बाय द वे हेलो दादा, उड़े उड़े उड़ी नहीं है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, तो इसलिए उसको करे। इसका हिंदी ग्रामर थोड़ा गलत है। अरे बाप रे, ये देखो कौन बोल रहा है। हिंदी ग्रामर थोड़ा गलत। पहले तो गाने का नाम है ख्वाबों के परिंदे। परिंदे किसके परिंदे? ख्वाबों के कौन? मैं फिर से अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारूंगा। अच्छा एक बार बोल दे। रेडियो ओनली स्पीक्स वंस। व्हाट ए टैलेंट। शालिनी आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपको क्या लगता है आपने कैसा परफॉर्म किया है? अच्छा किया। कहीं कुछ 19-20 हुआ, कुछ कुछ 17-18 हुआ? बोलो कहीं तुम्हारा 7-8 हुआ? नहीं हुआ। मैं कहाँ डाउट कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे पूछ रहा था यार, टेंशन क्यों ले रही है? अगर तुम्हें अपने आप पे यकीन हो तो आप दुनिया को यकीन दिला सकते हो। खुद पे यकीन रखो, फिक्र क्या करने का। वेरी प्लेजेंट एक्ट आपने, यूज ऑफ स्टेज यूज ऑफ एरियाज बहुत अच्छा किया। सिर्फ वहाँ पे वो जो कार्टविल का थोड़ा 7-8 हुआ है ना, वो वहाँ का दूसरा कार्टविल मालूम है, दूसरा 7-7.5 हो गया था, 8 नहीं हुआ कंप्लीट। हाँ फोन लेना 7-7.5 नो करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो प्रिंस वेरी नाइस, उसमें बहुत बहुत पोटेंशियल है, थोड़ा धक्का दो, पुश करो। आई मीन तुझसे तो पुश किया ना, तू भी अच्छा हिंदी बोलना। दादा हिंदी में पुश को क्या बोलते हैं दादा? धक्का। तो फिर सो जस्ट पुश अ लिटिल बिट एंड यस ये जस्टिस करेगी आपके आपके कोरियोग्राफी को। यस सर। ओके वेरी नाइस शालिनी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। अभी इनका अगला परफॉर्मेंस पे मैं धक्का मारूंगी, वो तो कंफर्म है। जब भी मैं धक्का मारूं तो हिंदी अच्छा बोलेगा, करेक्ट? ओके वैसे ही शालिनी को जब भी प्रिंस धक्का देंगे शालिनी अच्छा परफॉर्म करेंगी। शालिनी आज का आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था बच्चा। बारिश का जो एक फील चाहिए था इस गाने के लिए, आई थिंक दैट यू पोर्ट्रेड रियली। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी अग्री करता हूँ इस बार, में भूल गया बोलने को, बना अग्री। आपने जब शुरू किया वो जो हाँ 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 किया ना मुझे बहुत अच्छा लगा, तभी मुझे पता चला बारिश होने वाली है। थैंक यू सर। आपने एक स्प्लिट किया, पैर को पकड़ा और फिर आपने एक रोल ओवर किया। क्या पता जाएंगे कहाँ, वो आपने बहुत अच्छी तरह किया। इनका फॉर्म बहुत अच्छा है और बाय द डे इनका फॉर्म और अच्छा होते जा रहा है। एंड मेंटेन दैट शालिनी, अगर आप इस कॉम्पिटिशन में बने रहना चाहते हो तो उसको मेंटेन करो। ओके ओके थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मास्टर्स। ग्रैंड मास्टर फ्लोट कर रही थी, शी वॉज फ्लोटिंग ऑन स्टेज, बहुत अच्छा लगा मुझे। एट ईज डांस कर रही थी, इतनी छोटी लड़की है और समझ काफी, मेरे ख्याल से शील गो प्लेसेस। सुना है कि और एक दांत टूट गया? नहीं नहीं ये करो ये काका टीटा। अरे बाप रे ये हाँ। अभी देखो पहले मैं बोलता ये जब बोलती शालिनी आप कैसी हो, ठीक हूँ, डबल देखेगी डबल डबल बोलते सारे दांत टूट जाएंगे तो कैसे होंगे। शालिनी कैसी हो आप लोग? नहीं होगा ऐसा। अच्छा बोल के दिखाओ। चलो ग्रैंड मास्टर आप बहुत अच्छे हो। बोलो ग्रैंड मास्टर आप बहुत अच्छे हो। नहीं ऐसा नहीं, ठीक से बोलो, बहुत चला गए, बोलो जोर से बोलो जैसे बोलती हो। आप तैयार हैं आप जनता का फैसला जानने के लिए? तो चलिए फिर जनता के फैसले के मुताबिक इस हफ्ते शालिनी असुरक्षित है। शालिनी फिलहाल के लिए आप असुरक्षित है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस रेड सोफे पे जाके बैठ सकते हैं। बट लेट्स हियर इट फॉर शालिनी, कम ऑन गाइस।